सनाम नेल बुया आर तिना गोगो मिसरा बिना बुना जोतो को जोहार गी आर तिही नोडे रांची रे मिनय आर इन आसो कना 26 27 नवंबर उका दो नुवा हुयु कना ट्राइबल यूथ फेस्ट दीक्षांत मंडप रे हुयु लगी आदो तिना नेल बुया बिना बुना से रांची रे दुमका रे तिना आडे पासे रे संथाल होड़ होपन बुया मेरा बुना जोतो बुन हजू आनोडे आर मुन रस्का आर मुन एनेजोआ संगे ते नोडे ना जोम न्यू नोडे कु होरो कु सनाम नोडे बुन याम दाडिया आर साव सावते अबु संथाल मतोय दो बांग मुंडा उराव तिन मिना कोआ संगे बुन यापामो आर अबुआ तिन कल्चर एक्सचेंज बुन ओना बुन नोडे बुन हुई दाडिया मा तो इनका गी आर हजू तो बुन पे ओका दो कना 26 आर 27 नवंबर दीक्षांत मंडप रे नोआ दो कना ट्राइबल यूथ फेस्ट मा तो हजू तो बुन पे जारी ट्राइबल यूथ फेस्ट के स्टेज के माध्यम से ही हमें वो एक पहुंच मिला लोगों तक और हम ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट हो पाए और मुख्यमंत्री जी ने हमें आमंत्रण भी किया था और हमने उन्हें फिल्म भी दिखाई थी। खुशखबरी की बात ये भी है कि यहाँ से शुरुआत हुआ था हमारा फिल्म और जमशेदपुर में रस्क अवार्ड्स आयोजित हुई थी जिसमें 12 कैटेगरी में से हमारे फिल्म ने 10 कैटेगरी में ये किया था और 10 के 10 कैटेगरी में हमारे फिल्म को अवार्ड्स मिला। बेस्ट एक्टर, डायरेक्टर, सॉन्ग, मुकेश का सॉन्ग को बहुत पसंद किया लोगों ने। अभी जितने भी डायरेक्टर्स हैं एज वेल एज एक्टर्स सिंगर्स, इन लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। जैसे एनपीके भाई हमारे हुए, दीपक सिंगर हुए हमारे साथ, संध्या लोग हैं, आप देख सक रहे हैं कितने लोग इन्हें प्यार कर रहे हैं। नॉट ओनली प्यार, इनकम भी जनरेट हो रही है। और तो ये बहुत अच्छा समय है हमारे जितने ट्राइबल आर्टिस्ट लोग हैं स्टेज के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से या फिर जितने सोर्सेज हैं, और लोगों के बीच आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा उस प्यार को हम लोग मोटिवेट के रूप में अपने आप में ले और ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। झारखंड में बहुत कम क्षेत्रीय भाषा में फिल्में बनती है। बहुत हिम्मत के साथ अभी संथाली भाइयों ने पिक्चर बनाना शुरू किया है और जिनको आप हमारे साथ देख रहे हैं, ईशा राज मुर्मू जी हमारे साथ हैं। पिछले साल इनकी एक मूवी आई थी सकाम ओड़े और बहुत प्यार मिला था इस पिक्चर को संथालियों की तरफ से भी और पूरे झारखंड वासियों की तरफ से बहुत प्यार दुलार मिला और बहुत सारे पुरस्कार भी इस फिल्म ने जीते हैं। लेकिन अब इस वक्त ये दुमका से रांची आए हैं और रांची आने का इनका एक खास मकसद है। मकसद मैं बता दूं कि हमारे पीछे जो पोस्टर है ट्राइबल यूथ फेस्ट 2023, पिछले साल भी इसका आयोजन हुआ था और जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं या फिर जो अभिनेता हैं, इन्होंने इस प्रोग्राम को सफल बनाने में अपनी जी तोड़ मेहनत की थी, वही मेहनत इस साल भी इनको करना है। 26 और 27 तारीख नवम्बर को इनका ट्राइबल यूथ फेस्टिवल होने वाला है। यह प्रोग्राम होगा मोराबादी के दीक्षांत मंडप में। फिलहाल बहुत दूर से हमारे ईशा मुर्मू जी आए हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो आपको आपकी फिल्म के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत सुपर हिट रही है आपकी मूवी। धन्यवाद, और सभी दर्शकों के लिए और आपको बहुत बहुत जोहार। शायद पिछले बार जब हम मिले थे यूथ फेस्टिवल का, जब पोस्टर लॉन्चिंग हो रहा था, उस वक्त आपकी फिल्म आने वाली थी ना, कमिंग सून थी जी। जब हम लोग पिछले बार मिले थे 2022 में, उसमें हमारी फिल्म ऑन द ट्रैक थी, इसके बाद रिलीज हुई। और मैं बताना चाहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से और साथ साथ ट्राइबल यूथ फेस्ट के माध्यम से हमें एक ऐसा स्टेज मिला था जो हमारे फिल्म के लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहा और जन जन तक, जैसे आप लोगों का चैनल भी है, कि जन जन तक मैसेज पहुंचा कि ऐसी फिल्म आ रही है और संथाली फिल्म या बोले ट्राइबल फिल्म ये बहुत ही रेयर आ रही है हमारे। लेकिन अच्छी बात ये है कि हमारे जितने ऑडियंस हैं वो ट्राइबल फिल्म्स देखने के लिए काफ़ी इच्छुक हैं और जैसे हमारे फिल्म को इतना प्यार मिला और लोगों का इतना एक्सेप्टेंस मिला तो बहुत ही हम लोग खुश हैं। और ट्राइबल यूथ फेस्ट के स्टेज के माध्यम से ही हमें वो एक पहुंच मिला लोगों तक और हम ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट हो पाएँ। और मुख्यमंत्री जी ने हमें आमंत्रण भी किया था और हमने उन्हें फिल्म भी दिखाई थी, मुलाकात भी जी 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 विधानसभा सत्र के दौरान ही उन्होंने हमें समय दिया था। और बहुत ही उन्होंने ऐसा हमें लगा कि शायद नहीं जान रहे होंगे हम कलाकारों को, मगर हैरानी ये थी कि वो हम लोगों को नाम से जान रहे थे। और मैं हुआ, फिर हमारे मुकेश आरडीएक्स भाई हुए और डायरेक्टर भाई जी टूडू, ब्लेस मानुअल टूडू,
इन लोगों को नाम से जान रहे थे और खुशी यही लगी कि जो हमारे पद में जो दादा बैठे हुए हैं वो देख रहे हैं और साथ साथ हमारे ट्रैवल फैंस को और ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले और इस तरह का स्टेज मिले। बिल्कुल, बिल्कुल। और खुशखबरी की बात ये भी है कि यहाँ से शुरुआत हुआ था हमारा फिल्म और जमशेदपुर में रस्क अवार्ड्स आयोजित हुई थी जिसमें 12 कैटेगरी में से हमारे फिल्म ने 10 कैटेगरी में ये किया था और 10 के 10 कैटेगरी में हमारे फिल्म को अवार्ड्स मिला। बेस्ट एक्टर, डायरेक्टर, सॉन्ग, मुकेश का सॉन्ग को बहुत पसंद किया लोगों ने और बहुत बहुत अच्छा गाना था उनका, बहुत ही इमोशनल गाना था। और शायद मैं बता दूं ये संथाली फिल्म पहली ऐसी फिल्म है जो इतने सम्मान से सम्मानित की गई है और सेंसर बोर्ड से पास है और लोगों का ढेर सारा प्यार। और पहले तो हम दुमका में लगाए थे फिल्म को, एक सप्ताह तक लगे और एक सप्ताह तक लगातार फिल्म हाउसफुल रही और यहाँ ही नहीं रुकी फिल्म, हम लोगों को इतना प्यार मिला कि हमें और एक सप्ताह बढ़ाना पड़ा मजबूरी में। जितनी ऐसी मजबूरी आपको लंबे महीना दो महीना होना पड़े ये तो ज़्यादा अच्छा है जी। मजबूरी ये अच्छी मजबूरी है और लोगों का प्यार, बड़ों का आशीर्वाद और ऊपर वाले की कृपा से। अच्छा मैंने एक चीज़ देखी ईशा मुर्मू जी, जो यूथ है लोग डरते हैं कि पता नहीं मूवी बनाएंगे तो हमारे यूथ आएंगे कि नहीं, पर यूथ तो ज़्यादा क्रेजी है अपनी क्षेत्रीय भाषाओं को लेकर और इस तरह की मूवी बनती है। जैसे अभी विवेक नायक की मूवी बनी थी, दहलीज बनी थी, बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर आए हैं और लोगों का कचाकच भीड़ रहा है, तो अब लगता है डायरेक्टर को डरने की ज़रूरत नहीं है कि दर्शक आएंगे कि नहीं आएंगे। बिल्कुल, अभी जितने भी डायरेक्टर्स हैं एज वेल एज एक्टर्स, सिंगर्स, इन लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे NPK भाई हमारे हुए, दीपक सिंगर हुए हमारे साथ, संध्या लोग हैं, आप देख सक रहे हैं कितने लोग इन्हें प्यार कर रहे हैं। नॉट ओनली प्यार, इनकम भी जनरेट हो रही है। और तो ये बहुत अच्छा समय है हमारे जितने ट्रैवल आर्टिस्ट लोग हैं स्टेज के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से या फिर जितने सोर्सेज हैं, और लोगों के बीच आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा उस प्यार को हम लोग मोटिवेट के रूप में अपने आप में ले और ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। अच्छा ईशा जी ये बताइए कि पिछले बार जब आप आए थे यूथ फेस्ट में क्या परफॉर्मेंस रहा था, इस बार क्या अलग रहेगा? पिछले बार हमें मौका मिला, बहुत ही धन्यवाद उसके लिए। और पिछले बार हमारी टीम आई थी संथाली जगत के वन ऑफ द टॉप सिंगर राजू सोरेन जी, जो नॉट ओनली झारखंड में, इंडिया में टॉप ट्रेंडिंग में उनका गाना रहता है। ये ट्राइबल सॉन्ग संथाली में गाते हैं, नॉट ओनली एक, ये जब भी आती है ट्रेंडिंग वन में थी, ट्रेंडिंग टू, ट्रेंडिंग थ्री, इस तरह रेगुलर इंटरवल्स में उनके सॉन्ग्स आते हैं और ट्रेंडिंग इंडिया में ट्रेंडिंग 1, 2, 3 में रहती है। ये हमारी ट्राइबल लैंग्वेज, झारखंड की ही लैंग्वेज, इतनी खुशी की बात है। वो आए थे राजू सोरेन जी और विस्फोटक सिंगर मुकेश RDX टूडू जी भी आए थे और साथ में फीमेल आर्टिस्ट लोग थे और यूथ आर्टिस्ट लोग आए हुए थे। साथ साथ हम लोगों ने स्टॉल्स वगैरह लिया था जहाँ पर हम अपने ट्राइबल पहनावा को दर्शाएं, बहुत लोगों ने प्यार किया और बहुत सारे लोगों ने कनेक्ट किया कि ऐसा फेस्टिवल कहाँ हो रहा है, आप लोग वहाँ कैसे पहुँचे। तो ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ हर कोई पहुँच सक रहा है। हम लोग जैसे आर्टिस्ट हैं, यहाँ हम लोग आए हुए आज एक मीटअप है, हम दुमका से आए हैं, कुछ तो बात होगी इसमें। ये इतना ही प्यार हमें मिल रहा है नॉट ओनली, और ये एक अच्छा बहाना है कि हम क्रिएटर्स मिल पा रहे हैं। शायद मुझे कल कोई काम मिल जाए। बिल्कुल, यहाँ से एक दूसरे के साथ मिलके काम कर ले, एक दूसरे के साथ मिलके काम कर ले, और ऐसा हो रहा है। मेरे साथ यहाँ रांची में दोस्त नहीं है, मगर पिछले ट्रैवल फेस्ट में हम जब आए थे बहुत सारे दोस्त लोग मिले, संध्या जी हो गए, प्रियंका जी हो गए, स्वाति जी हो गए, NPK हो गए, ये लोग सारे यही मिले हमें, दोस्त बने। कृष्णा लकड़ा जी हो गए, हमारे यूथ जा आ रहे हैं और जितना भी पंकज जी यहाँ, सारे यहाँ, हम यहाँ यहीं से कनेक्ट हुए। ये अच्छी, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है नॉट ओनली, और हाँ साथ साथ ये तो सोशल फील्ड में हो गया और हल्के हम लोग सोशल एक्टिविस्ट लोगों से भी बहुत मिल रहे हैं, उनका क्या राय है। नॉट ओनली पढ़ाई, एक क्षेत्र बिल्कुल पढ़ाई है, साथ साथ स्पोर्ट्स, फिल्म, सिनेमा और रिसर्च के माध्यम से, और जैसे मैं यहाँ से जुड़ा और लोगों से कनेक्ट हो पा रहा हूँ मैं। मतलब मुझे लगता है इस यूथ फेस्टिवल के माध्यम से हम एक दूसरे से कनेक्ट भी हो पा रहे हैं, अलग अलग फील्ड के जो लोग हैं, कुछ सोशल वर्कर हैं, कुछ आप जैसे अभिनेता हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, तो सबसे मुलाकात हो पा रही है और सबके लिए ये फ़ायदेमंद साबित हो रहा है। जी बिल्कुल, ये
इस ट्राइबल यूथ फेस्ट या जो हमारा ये सोसाइटी है, इसका मूल उद्देश्य यही है कि हम ट्राइबल को नॉट ओनली आर्ट के क्षेत्र में, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में कैसे जोड़ना है। मैं बहुत ही हैरान था पिछले साल जब हम मिले और उन्होंने बताया क्या है ऑब्जेक्टिव। इसका ऑब्जेक्टिव इतना अच्छा मुझे लगा कि आप देख सक रहे हैं हमारे जितने आप लोग जितने मीडिया बंधु लोग भी हैं सब हम लोग आर्टिस्ट लोग। जैसे हमारे सीनियर मीडिया भाई ने भैया ने बताया कि राहुल गांधी ने कहीं पर किया था तो उसने पूछा था कि कहाँ कितने ST हैं, कितने SC हैं। लेकिन यहाँ आप देखिए, आप बहुत बड़े उदाहरण हैं, आप मैम यहाँ पर खुद हैं, लेकिन अफसोस ये भी लगता है कि यहाँ तक भी नहीं पहुँच पा रहे। सबसे अवेलेबल एसेसिबल जगह यहाँ है इस प्लेटफॉर्म, लेकिन हम लोग यहाँ नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन हाँ, हमें कनेक्ट करना है, हम अपने पॉसिबल जितना है हमसे उतना लोगों को कनेक्ट करेंगे और अपने तरफ खींचेंगे कि नहीं। तो आप इस ट्राइबल यूथ फेस्ट में जैसे पिछले बार भी प्रोग्राम किए, इस बार भी करेंगे, जितने दर्शक आपको देखे हैं, जितना प्यार आपकी मूवी को मिला है, आप उन लोगों को कैसे इनवाइट करेंगे इस प्रोग्राम में शरीक होने के लिए? तो इसको मैं एक अलग तरीके से इनवाइट करूँगा जितने दर्शकों को। मैं संथाली में बोलूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। सनाम नेंजल बुया आर तिना गोगो मिश्रा बिना बुना जो तो कुछ जोहारगी आर तीन नोडे रांची रे मिनाई आर इन आसो कना 26-27 नवंबर उका दो नुआ हुयु कना ट्राइबल यूथ फेस्ट दीक्षांत मंडप रे हुयु लगी आदो तिना नेंजल बुया बिना बुना से रांची रे दुमका रे तिना आडे पासे रे संथाल होड़ होपन बुया मेरा बुना जोतो बुन हजू अनोडे आर मुन रस्का आर मुन एनेज आ सोंगे ते नोडे ना जोम न्यू नोडे कु होरो कु सनाम नोडे बुन याम दाड़िया आर साव साउते अबु संथाल मतो इदो बांग मुंडा उराव तिना मिना कुआ सोंगे बुन यापाम आ आर अबु तिना कल्चर एक्सचेंज बुन ओना बुन नोडे बुन हुई दाड़िया मा तो इनका गी आर हजू तो बुन पे उका दो कना 26 आर 27 नवंबर दीक्षांत मंडप रे नुआ दो कना ट्राइबल यूथ फेस्ट मा तो हजू तो बुन पे जा रही। तो भाई संथाली भाइयों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, लेकिन हमें भी थोड़ा थोड़ा संथाली आता है तो समझ में आ गया है कि उन्होंने बहुत आसान भाषा में कहा है कि जितने भी उराव मुंडा हो भाई हैं और खासकर संथाली जो हैं, 26 और 27 को आपको इस यूथ फेस्ट में आना है, मोटा मोटी यही समझना है आपको, है ना। तो फिलहाल इशाराज मुर्मू जी हमारे साथ है, बहुत दूर से चल के आए हैं, सिर्फ इस प्रोग्राम के इस पोस्टर लॉन्चिंग के कार्यक्रम में आए हैं और यह कार्यक्रम 26 और 27 नवंबर को होगा। जो भी दर्शक मूवी में नहीं देख पाए हैं इशाराज मुर्मू को, इनको लाइव देखने के लिए आप आइए 26 और 27 नवंबर को, सेल्फी लीजिए, फोटो खिंचाइए, क्योंकि कल को बहुत बड़े स्टार होने वाले हैं, तो आपको मौका नहीं मिलेगा इनसे मिलने का। बहुत अच्छा साल में एक मौका मिलता है, तो इसका इस मौके का फ़ायदा उठाइए और लाइव परफॉर्मेंस देखने के लिए आप इस यूथ फेस्ट में शरीक होइए। हम है यहाँ पे, कोशिश करेंगे और इन्फ्लुएंसर से बातचीत करने के लिए, लेकिन अब इस वक्त के लिए जोहार रहेगा। ऋषा जी धन्यवाद। एकदम धन्यवाद, जोहार।